एंट्री होती का गजब का सीन था भाई। सब भाई क्लियर हो रहे थे एकदम, मौसम का कूल हो रहा था भाई यहाँ पे। भाई बाहर का टेम्परेचर जो तापमान था भाई मत पूछो भाई। और यहाँ पे आके यार मस्त फील हो रहा था यार, देखो सब गाइस कितना रिलैक्स कर रहे यार। बट यहाँ पे यार वाटर का व्यवस्था नहीं था भाई, मुझे पानी यार कहते मुझे पता नहीं था यार कि यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा। और हमने जो भी थिंग था भाई हमने लॉकअप में ही बंद करके यार एंट्री हो गया हम लोगों का। देखो यार यहाँ पे पूरा परेशान यार, इतना थर्स्टी फील हो रहा है भाई क्या होता है। चलो यार आगे देखते तो फोनर लोग यहाँ पे कुछ बात करे, पर यार हम लोग को तो मेरा अपना काम से। ये देखिए दीवाने आम भाई, ये सब कुछ लिखा हुआ था मॉन्यूमेंट का बाहर में, जो भी मॉन्यूमेंट में मतलब क्या होता था सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। देखो ये हॉल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, जहाँ पे अभी एंट्री कर रहे हम लोग। देखो ये वाला हॉल के बारे में भाई, यहाँ पे शाहजहाँ का थ्रोन है भाई यहाँ पे आगे में। देखो दिखाई पड़ेगा तुमको, देखो नज़र आ रहा ना भाई वो वाइट कलर का। देखो पहुँचते बताते भाई, ये भाई ये थ्रोन है भाई, जो भाई ये थ्रोन है शाहजहाँ का भाई। क्या वाइट मार्बल का बना बना भाई, गजब लग रहा भाई। यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे यार, यहाँ से कमांड किया करते होंगे ना। मुझे सुबह जैसे कि ये हॉल है यार, तो यहाँ पे शाहजहाँ थ्रोन पे होंगे और बहुत सारे रूलर आकर के इकट्ठे होकर के भाई कमांड यहाँ पे तैयार करते होंगे, और यहाँ पे डिसीजन डिसाइड करते होंगे क्या पॉलिटिक डिसीजन होगा अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो आपको ही पता होगा राइट ना। चलो और कुछ इधर में कुछ एनीथिंग मोर इधर। और भाई जैसे ही बाहर निकलने का सोचा भाई, ये देखो भाई ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया वो भाई यार, स्टेयर नजर ही नहीं आ रहा भाई नीचे कैसे जाएंगे। और यहाँ का हाइट भाई 3 मीटर्स के ऊपर हम लोग खड़े थे भाई, अगर यहाँ की एंट्री है नीचे जाने का रास्ते नहीं सूझ रहा था भाई। फिर यहाँ पे मैंने एक अंकल को देखा, देखो जैसे ये अंकल जा रहे हैं ना वैसे ही जाना पड़ेगा दोस्त, तो हम लोग को निकलना होगा यहाँ से यार। हम लोग यार 3 मीटर से ढाई इंडियन को डरने लगता भाई, तो हम यहाँ से जंप मार के डायरेक्ट नीचे उतर जाएंगे यार। सुनाई हम हॉल से तो बाहर निकल गए, हम आगे देखते हैं यार क्या क्या मिलता है, फेस करने को मिलेगा यार। कुछ जगह चाहिए बहुत मस्त है यार, कुछ रहे चाहिए पर इन्वायरमेंट एक नंबर है, ग्रेट है भाई, जितना बोलो उतना कम, क्योंकि पूरा दिल्ली में घूर है यार। वहाँ का क्लाइमेट मत पूछो भाई, भाई 40 तो जा ही रहा था भाई, पर यहाँ पे आके लग रहा कि यार 30 का फील हो रहा है, और अभी 5 ही बज रहा है राइट। सो गाइस यहाँ से कुछ नज़र आ रहे हो क्लोज जाके देखते हैं भाई। और यार ये तो स्विमिंग पूल था भाई, का गजब का भाई बड़ा था भाई सही में यहाँ पे। बट वाटर नहीं है भाई अभी, क्योंकि भाई कब का ये पुराना है, ये एक मोन्यूमेंट है भाई, ये एक पास्ट है, तो भाई अभी पानी कहाँ से होगा भाई। सब बहुत जगह में पानी का थे बट वो सब जगह सूखे होते हैं, वैसे यहाँ भी सूखा पड़ा हुआ भाई। ये सो गाइस ये वाला हॉल देख रहे हो ना भाई, ये वाला हॉल, ये इसको पीस हॉल के नाम दे सकते हो भाई, क्योंकि जब हमारे शाहजहाँ किंग द ग्रेट किंग शाहजहाँ को जब भाई जब ग्रेट किंग को भाई बोरिंग फील होता था भाई, तो वो यहीं आया करते थे, और जितना आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड था सब कुछ भाई, उनको जो कुछ भी शौक होता तो यहीं पे आया करते थे। वो डांसिंग म्यूजिक सब कुछ भाई यहीं पे आ करके और विश्राम किया करते थे यहाँ पे। और ये देखो भाई कितना हाइट पे था ये बना हुआ यार। और आगे देखे गाइस एक गजब का चीज़ है भाई यहाँ पे, देखो भाई ये गेट देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट गंगा में ओपन होता है भाई, तो यहाँ से लगता है कि हम पास्ट का कुछ चीज़ हिस्ट्री को जान ले। और ये अंकल बता रहे थे, पर यार जैसे ही गया मैंने यार वो तो चुप ही कर गया यार, पता नहीं कि मैं वीडियो बना रहा था तो इसका वैसे प्रॉब्लम हो गया उनको। बट नो मैटर यार, जितना था पॉसिबल मैंने बता सका उसके बारे में, क्योंकि वो उन्हीं बताया था कि ये गेट जो डोर है ओपन डोर है भाई गंगा में ओपन होता है यार। सो फ्रेंड लुक यहाँ पे भाई मोती मस्जिद के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ भाई कि वाइट मार्बल से ये मोती मस्जिद बना हुआ जो कि शाहजहाँ ने बनाया, और ये भाई रेड फोर्ट के अंदर ही है भाई। का गजब का सीन था भाई यहाँ का, मजाक नहीं। पर यार यहाँ पे आगे जाके देखो ना, गेट लॉक था यार, मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाया, पर यार देखो जो कैप जो खिड़की है भाई विंडो से मैं शूट करने की कोशिश किया, देखो यार ये अंदर देख रहा हूँ ना सब कुछ, सफ भी वैसे ही है भाई मस्जिद में जैसे सफ लग। ये विंडो से दिखाना बहुत ट्रबल था भाई, बहुत मुश्किल पड़ रहा था भाई, पर यार नज़र आ रहा है यहाँ पे देखो कुछ जो कुछ भी यार, और अंदर था बट नज़र नहीं आ सकता दोस्त। कोई नहीं चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मतलब दिखाना बहुत टफ लगा भाई, बाकी सब तो पॉसिबल था बट ये बहुत टफ लगा भाई। रेड फोर्ट का सब कुछ अच्छा लगा भाई, पर यहाँ से वाटर की व्यवस्था ही नहीं है भाई, एकदम प्यासा ही घूरते रहो यार।
क्या बोले यार, और टाइम भी नहीं है मेरे पास, टाइम भी कम है यार। अब ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला है ये, हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक बार लास्ट बार देख। सो गाइस ये मेरा लास्ट शॉट था, जैसे कि मैंने बताया था कि टाइम ओवर होने वाला था, तो 6 o'clock हो गया था, उसके वजह से डायरेक्शन चेंज भी हो गया सन का, वो वेस्ट के साथ चला गया था, तो शॉट अच्छा नहीं मिला था। बट यार ईस्ट के साइड में शॉट अच्छा था, ये देखो जूम करके दिखा लो यार यहाँ पे। सो गाइस यार क्या चीज़ था भाई, मुझे कतई नहीं पता चल रहा भाई, कमेंट जरूर करना भाई वो क्या था भाई। तो गाइस चलो आगे देखते यार। अभी भाई ये क्या है, ये दूसरा स्विमिंग पूल देखो भाई, पर इसमें भाई बीच में बिल्डिंग बना गई थी एक तरह का, और भाई उससे ये गजब डिमांड का लग रहा था भाई, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था इसको, देखिए भाई यहाँ का डिजाइन गजब का था भाई। देखो जैसे कि डोर में लगते हैं ना इंसान का घर का, तो वैसे ही डोर का तरह स्टाइल दिया हुआ था बाहर में, आर्किटेक्चर बहुत खूब है भाई यहाँ का। फर्स्ट स्विमिंग पूल से काफ़ी डिफरेंट था भाई, डिजाइन से भी देखा जाए तो डिफरेंट था, उसके बीच में ये जो भाई लोकेशन बना हुआ है, ये जो घर बना हुआ है डिफरेंट। सो गाइस आगे देखो यहाँ पे भाई, जैसे ताजमहल का बाहर मुतबा वैसे ही फील हुआ थोड़ा देर के लिए, अभी भी बोला नहीं यार मैं तो रेड फोर्ट में पहुँचा हुआ, और यहाँ पे वाटर हुआ करता था भाई, बट अभी नहीं है भाई। तो यहाँ पानी किसे खुशी में रहेगा यार, हम लोग का खुशी में तो ही ना रहेगा। बंदे देखो देख सकते उधर भाई, ये म्यूजियम यार, म्यूजियम के अंदर नहीं जा सकते, पूरा ए सी वैसी लग गया है म्यूजियम में, म्यूजियम पर म्यूजियम तो है ना, सब बुक्स वगैरह सब कुछ यार लगा। सो फ्रेंड ओवर हो गया भाई, चलो अब बाहर में जा कर के मुलाकात होती है भाई। सो होप सो गाइस यू लाइक माय वीडियो, तो भाई अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। तो यार चलते हैं नेक्स्ट शॉट के साथ, अच्छे शॉट के साथ मिलते हैं। सो जब तक के लिए।